पाकिस्तान की तारीख का पहला रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट। रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट कब से कब तक खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितनी टीमें शिरकत कर रही हैं, तमाम टीमों के स्क्वाड अभी तक किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हैं, कौन कौन से पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि क्रिकेट की तमाम तर अपडेट आपको मिल सके। पाकिस्तान की तारीख का पहला रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर में 28 मार्च से शुरू होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम, शादाब खान समेत कई इंटरनेशनल खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी करेंगे। डायरेक्टर क्रिकेट और डायरेक्टर ऑपरेशन गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होगा जो कि 4 अप्रैल तक लाहौर में जारी रहेगा। साबिक कप्तान सलमान बट ने कहा कि रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं, जबकि एक और न्यूज के मुताबिक एक और वेबसाइट के मुताबिक 9 टीमें शिरकत कर रही हैं। हर टीम में 2 कौमी खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। जबकि डायरेक्टर ऑपरेशन कर्नल रिटायर सलीम डार का कहना है कि रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का मकसद नौजवान खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। मुंतजमीन के मुताबिक टूर्नामेंट की 52 लाख रुपए इनामी रखी गई है। जीतने वाली टीम को 25 लाख और रनर अप को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑफ टूर्नामेंट को भी इनाम से नवाजा जाएगा। अगर हम बात करें रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट में तमाम के अभी तक के स्क्वाड के बारे में तो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट टीम में बाबर आजम, शादाब खान, हुसैन तलत, उसामा मीर और अब्बास आफरीदी शामिल हैं। जबकि खावर प्रॉपर्टी की टीम में हसन अली, आसिफ अली, अरशद इकबाल, मीर हमजा, हसीबुल्ला और इरफान खान न्याजी शामिल हैं। जबकि कराची वायर की टीम में इमामुल हक और बिलाल आसिफ, जबकि गनी गिलास की टीम में एहसानुल्ला, सलमान अली आगा, उमैद आसिफ, तैयब ताहिर और आजम खान शामिल हैं। जबकि बलोक सतान बहादुर की टीम में शर्जील खान, मोहम्मद आमिर और आमिर यामीन शामिल हैं। जबकि एचपीएल लाल की टीम में उस्मान कादिर, वकास मकसूद, अमित जमाल और सलमान इरशाद शामिल हैं। जबकि एशल एसोसिएट की टीम में खुशदी शाह, इफ्तार अहमद और उमर अकमल शामिल हैं। जबकि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की टीम में मोहम्मद इरफान और एहसान अली। जबकि राजा साहब की टीम में इमरान भट्ट, बिलावल भट्टी और आबिद अली शामिल हैं।